नमस्कार मित्रों, आप सभी का नंद विश्वकर्मा यूट्यूब चैनल में मैं नंद विश्वकर्मा हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज हम इस वीडियो में देखेंगे शिक्षा संबंधी अनुच्छेद, धाराएं या आर्टिकल। इस वीडियो में हम पार्ट टू लेकर आए हैं। पार्ट फर्स्ट में हमने कुछ धाराएं जो एग्जाम में आ सकती हैं या आती हैं उनको कवर किया था। इस पार्ट सेकेंड में जो शेष सभी धाराएँ शिक्षा से संबंधित बची हुई हैं उनको कवर करेंगे। तो आपको ये दोनों पार्ट्स अच्छे से देखना है, कवर करना है और याद रखना है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में अक्सर निकलती रहती है। इस वीडियो को हमारा तैयार करने का उद्देश्य था शिक्षा एग्जाम से संबंधित या एग्जाम में शिक्षा से संबंधित धाराओं को कवर करना। तो देखें, सबसे पहली धारा है आज की इस वीडियो की अनुच्छेद 30(1). अनुच्छेद 30(1) कहता है कि शिक्षा संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्ग का अधिकार। इस धारा के तहत अल्पसंख्यक वर्ग, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, भारतीय संविधान उन्हें शिक्षा संस्थानों की स्थापना करने का पूरा अधिकार देती है। जैसे यदि कोई कॉलेज मान लें कि कोई जैन है, कोई मुसलमान है, वह कॉलेज या स्कूल खोलना चाहे तो वह खोल सकता है। यह हमारा भारतीय संविधान अनुच्छेद 30(1) उन्हें इस प्रकार का मौल अधिकार देता है। अनुच्छेद 30(1) अधिकार देता है कि वह किसी भी कॉलेज, स्कूल आदि की स्थापना कर सकते हैं। यह हमारा भारतीय संविधान का अनुच्छेद 30(1) उन्हें अधिकार देता है। तो पेपर में यहाँ से सीधा सीधा प्रश्न पूछा जाता है, शिक्षा संस्थानों की स्थापना का अधिकार भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद में वर्णन किया गया है? तो अनुच्छेद 30(1), अनुच्छेद 30 के भाग एक, अनुच्छेद 30(1) के एक प्रारूप में। अब दूसरा अनुच्छेद है आपका अनुच्छेद 30(2), शिक्षा संस्थाओं की सहायता देने में राज्य किसी शिक्षा संस्था की विरुद्ध इस आधार पर विभेद नहीं करेगा कि वह धर्म, भाषा पर आधारित किस अल्पसंख्यक वर्ग का है। जैसे कि हमने आपको अभी बताया कि अनुच्छेद 30(1) प्रत्येक नागरिक को अधिकार देता है, चाहे वह किसी भी धर्म, किसी भी जाति, किसी भी अल्पसंख्यक वर्ग का हो, वह किसी शिक्षा संस्थान को की स्थापना कर सकता है, संचालित कर सकता है। वहीं अनुच्छेद 30(2) ये अधिकार देता है कि यदि वह शिक्षा संस्थान किसी भी जाति, किसी भी धर्म या किसी भी अल्पसंख्यक वर्ग का है, वह स्कूल कॉलेज खोलता है, तब उसे जो भारत गवर्नमेंट या राज्य सरकार उसे फंड देगी, सहायता देगी, तो वह इस पर कोई किसी भी तरह का कोई अंतर या भेदभाव नहीं करेगी। जैसे कि मान लें कि कोई मुसलमान कोई स्कूल या कॉलेज खोलता है, और कोई हिंदू स्कूल या कॉलेज खोलता है, जैन स्कूल या कॉलेज खोलता है, तब मध्य प्रदेश सरकार या राज्य सरकार, प्रदेश सरकार, इंडिया भारत सरकार उन्हें जो संस्थान अनुदेय देगी, उन्हें जो राशि देगी, तीनों को बराबर देगी। मुसलमानों को भी उतनी प्राप्त होगी, जैन को भी उतनी ही प्राप्त होगी और हिंदू को भी उतनी ही प्राप्त होगी। किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं होगा। ये कौन सा अनुच्छेद कहता है? अनुच्छेद 30 के दूसरे पॉइंट में इसका विधिवत वर्णन किया गया है। तो अनुच्छेद 30(2) प्रत्येक नागरिक को यह अधिकार देता है कि भारत का वह कोई भी नागरिक हो, किसी भी वर्ग, किसी भी जाति, किसी भी अल्पसंख्यक समुदाय का, वह भारत में किसी भी शिक्षा संस्थान का खोल सकता है, स्थापना कर सकता है। अनुच्छेद 30(1) अनुच्छेद 30(2) कि भारत सरकार उनमें किसी प्रकार का कोई विभेद नहीं करेगी या राज्य सरकार। अनुच्छेद 45, अनुच्छेद 45 यह अधिकार देता है 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का अधिकार। अनुच्छेद 30 क्या देता है? अनुच्छेद 45 निःशुल्क शिक्षा एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अभी वर्तमान में मौलिक अधिकार बन चुका है प्रत्येक नागरिक का। तो ये क्या देता है उन्हें? प्रत्येक नागरिक को ये अधिकार है उनका। अब आप कहेंगे सर अनुच्छेद 29
कि 29 का क्यों भाग 3 में भी इस प्रकार का प्रावधान है, उसमें भी निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान है। अनुच्छेद 45 में भी निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान है। तो यदि एग्जाम में आएगा तो हम किसे लगाएंगे? पॉइंट से है, क्लियर है। तो यदि जो अनुच्छेद 45 बना था, यह अनुच्छेद 45 इसमें स्पष्ट तौर पर कहा गया है राज्य संविधान लागू होने के 10 वर्ष के अंदर, अर्थात जब यह संविधान बना था लागू होने के टाइम पर ही, यानी कि जब निर्मित हुआ था तभी अधिकार दिया गया था। और जो आपका अनुच्छेद 29 है यह 2002 में आया था। अब पेपर में आता है कि हम किसे टिक लगाएं। हमने तो आपको जानकारी दी कि दोनों बनाने की क्या अनिवार्यता थी, दोनों एक हैं। तो लेकिन यदि पेपर में अनुच्छेद 29 आता है और 45, वैसे ऐसा होगा नहीं। यदि पेपर में अनुच्छेद 29 नहीं आता तब अनुच्छेद 45 लगाएंगे, क्योंकि अधिकांश बालकों को, छात्रों की जानकारी होती है कि अनुच्छेद 29 प्रत्येक नागरिक को उनकी निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा का अधिकार देती है, वो भी 6 से 14 वर्ष की उम्र में। किस आयु में? 6 से 14 वर्ष की, चाहे वो किसी भी जाति, किसी भी भाषा, किसी भी समुदाय का हो। अगर आपका अनुच्छेद 29 होगा तो 45 नहीं होगा, और अनुच्छेद 45 होगा तो 29 नहीं होगा, दो में से एक आएगा। अब हम बात करते हैं अनुच्छेद 46। अनुच्छेद 46 कहता है अनुसूचित जाति एवं जनजाति और अन्य दुर्बल वर्गों के शिक्षा आर्थिक हित की वृद्धि तथा शोषण से रक्षा का प्रयास करना, अर्थात SC और ST के व्यक्तियों को शिक्षा में राज्य सरकार और केंद्र सरकार प्रयास करेगी, उन्हें शिक्षित करेगी, उन्हें शिक्षित करने का भरपूर प्रयास करेगी। यह कौन सा अधिकार है? यह संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है? तो संविधान के अनुच्छेद 46 में इसका वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 30 एक में वर्णन किया है कि वह किसी भी जाति, किसी भी धर्म, किसी भाषा का हो शिक्षा संस्थान खोल सकता है। अनुच्छेद 32 कहता है कि राज्य सरकार उनमें किसी भी प्रकार का कोई भी अंतर नहीं करेगी। अनुच्छेद 45 कहता है निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार 6 से 14 वर्ष के बच्चों का। अनुच्छेद 46 कहता है कि SC व ST के छात्र बच्चों को शिक्षित करने में सरकार प्रयास करेगी कि वो शिक्षित हो। अब ये तीन अनुच्छेद आपको बहुत अच्छे से याद करना है, ये भाषा संबंधी अनुच्छेद है। ये आपके कौन से अनुच्छेद हैं? भाषा संबंधी अनुच्छेद है, भाषा संबंधी अनुच्छेद है, इसलिए आपके इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत और साथ ही साथ बाल विकास, इन स्थानों पर ही आपकी आ सकती है, क्योंकि भाषा संबंधी है तो भाषाओं में तो दी आ ही सकती है और साथ ही साथ बाल विकास में आ सकती है। तो अनुच्छेद 343, अनुच्छेद 343 संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। अनुच्छेद 343 कहता है कि संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। हिंदी को राजभाषा का दर्जा अनुच्छेद 43 देता है और देवनागरी लिपि को, लिपि जो आपकी है देवनागरी, जिसमें अपन हिंदी लिखते हैं, वह अनुच्छेद 343 देता है। वह अनुच्छेद 350 कहता है कि प्राथमिक स्तर, प्राथमिक स्तर का तात्पर्य कक्षा 1 से 5 तक का छात्र, किसकी जो भाषा शिक्षण होगा वह मातृभाषा में किया जाएगा। मातृभाषा में का तात्पर्य है जैसे अभी हमारी मातृभाषा हिंदी है तो हमारा शिक्षण हिंदी में हो रहा है हमारे यहाँ बच्चों का। यदि कोई बंगाल का होगा तो उसका बंगाली में, कोई तमिलनाडु का होगा तो उसकी वहाँ की जो भाषा है, महाराष्ट्र में तो मराठी में। तो जिस भी राज्य का बालक होगा उसका जो प्रारंभिक शिक्षण होगा अर्थात कक्षा 1 से 5 तक की पढ़ाई उसकी मातृभाषा में की जाएगी। ये कौन सा अनुच्छेद कहता है? अनुच्छेद 350। अनुच्छेद 351 कहता है हिंदी भाषा का प्रोत्साहन तथा प्रचार प्रसार करना। हिंदी भाषा वर्तमान में इंग्लिश से अत्यधिक व्याप्त हो रही है तो अनुच्छेद 351 के तहत ये कहा जाता है कि हिंदी का प्रचार और प्रसार करना, हिंदी के प्रति अत्यधिक जागरूक करना। एक बार पुनः रिवाइज करता हूं, आप अच्छे से सुनिएगा। अनुच्छेद 31 प्रत्येक जाति, प्रत्येक धर्म या प्रत्येक समुदाय को शिक्षा संस्थान की संचालन करने की अनुमति देता है। अनुच्छेद 32
अधिकार देता है कि राज्य सरकार या केंद्र सरकार उन्हें किसी भी प्रकार की जाति धर्म या अल्पसंख्यक के आधार पर विभेद नहीं करेगी, कोई अंतर नहीं करेगी। अनुच्छेद 45 निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा का अधिकार देता है 6 से 14 वर्ष के बच्चों को। अनुच्छेद आपका जो 46 है एससी व एसटी के छात्रों को, एससी व एसटी के छात्रों को की शिक्षा का अधिकार, शिक्षा को शिक्षित करने का प्रयास करेगी राज्य सरकार व केंद्र सरकार। ये आपका अधिकार देता है अनुच्छेद 46। इसके बाद आपका अनुच्छेद 343 राजभाषा हिंदी, राष्ट्रभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी को घोषित करता है। अनुच्छेद 350 बताता है कि प्रत्येक शिशु की जो प्रारंभिक शिक्षा होगी मातृभाषा में होगी। अनुच्छेद 351 हिंदी के प्रोत्साहन और प्रचार प्रसार का वर्णन करता है। साथ ही जो आपका अनुच्छेद 46 है एससी और एसटी के शिक्षित करने का तो अधिकार देता ही है, साथ में दुर्बल वर्गों, यदि कोई कमजोर वर्ग है कि शिक्षा की शिक्षा आर्थिक हित की वृद्धि तथा शोषण से रक्षा करने का भी प्रयास करेगा। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ चुका होगा। अब यदि आपको समझ में आ चुका है तो आप जो मैं क्वेश्चन आपसे कर रहा हूं उसकी आप जानकारी दीजिए। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रारंभिक शिक्षा का वर्णन उनकी मातृभाषा में होगा, या भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कहता है? आपने जो आंसर दिया वह आपका पूर्णतः सत्य था, अनुच्छेद 350। किस अनुच्छेद में निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा 6 से 14 वर्ष के लिए बच्चों के लिए है? तो अनुच्छेद 45 आपका करेक्ट आंसर था। इसका तात्पर्य आपने बहुत अच्छे से सुना है। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल पर फर्स्ट टाइम आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार मित्रों।